बालोद जिले में कुएं का पानी पीने से एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से 3 को इलाज के लिए राजनांदगांव रेफर किया गया है। 3 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्य गांव में ही उनका इलाज किया जा रहा है। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-53 रोड परसदा के पास मवेशी सामने आ जाने से अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। गंभीर चोट व दबने से कार सवार एक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के अग्रापानी घाटी में मध्य प्रदेश से आ रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटने से 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। वहीं 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए डायल 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। जसपुर जिले की तपकरा पुलिस ने गांजा की बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी उड़ीसा से अवैध गांजा की तस्करी कर प्रयागराज उत्तर प्रदेश जाने की फिराक में था। आरोपी के पास से पुलिस ने एक महिंद्रा स्कॉर्पियो से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया है। जब्त की गई गांजे की कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए है। रायगढ़ से खरसिया थाना क्षेत्र के थुर्रीभांटा बाईपास रोड पर एक पिकअप वाहन से 78,000 रुपए से भरे बैग की उठाईगिरी करने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने पकड़कर उसके पास से 59,000 रुपए नकद बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपी चकद्दर नगर निवासी राजेश कश्यप को उसके निवास से गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव की चिखली चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शांति नगर में चल रहे जुए की अड्डे पर रेड कार्रवाई करते हुए मौके से 11 जुआने को पकड़कर 7 मोबाइल और 66,190 रुपए नकद जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व नवागढ़ के पूर्व विधायक दयालदास बघेल के घर के बाहर खड़ी उनके बड़े पुत्र शंकर बघेल व बड़े भाई के बेटे किशोर बघेल की गाड़ी के ऊपर अज्ञात उपद्रवियों द्वारा रात में पथराव किया गया और गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया। शिकायत पर नांदघाट थाने की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में प्रेमिका शादी के लिए दबाव बना रही थी, इससे नाराज नाबालिग प्रेमी ने अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए नाबालिग प्रेमी और उसकी दूसरी प्रेमिका ने युवती की लाश को फांसी पर लटका दिया। शिकायत के बाद मरवाही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चापा में रेल सुरक्षा बल की विशेष टीम ने औचक चेकिंग के दौरान नैला रेलवे यार्ड में एक व्यक्ति को 3 बोरी कोयला चोरी करते रंगे हाथों धर दबोचने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से लाखों का गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है। ऑपरेशन नार्कोस के तहत मंडल टास्क टीम ने रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायपुर गुप्तचर शाखा डिटेक्टिव विंग मुख्यालय बिलासपुर की संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर कीर्तिराज सिंह को 18 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगाने को लेकर बुधवार को सूरजपुर जिले की रामानुज नगर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए कीमत के 2 टन चोरी का कोयला जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर जिले की प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी संदीप सिंह निवासी धुमाडांड थाना प्रेमनगर को घेराबंदी कर उसके गांव से पकड़कर चोरी की बैग जब्त की है। भाटापारा शहर थाना प्रभारी मंजुलता राठौर एवं ग्रामीण थाना प्रभारी रोशन राजपूत ने संयुक्त रूप से अश्लील फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल कर महिला को बेइज्जत करने वाले आरोपी धर्मेंद्र वर्मा ग्राम तारपुंगी थाना धरसीवा रायपुर को गिरफ्तार कर लिया है।
ऊंची पगार और बेहतर काम का लालच देकर किशोरी को आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में ले जाने वाले दो आरोपियों को लखनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक महिला है जो पीड़िता के घर के पड़ोस में रहती है। कवर्धा में बुधवार को एक युवक की सड़ी गली लाश बरामद हुई है। शव खेत में पड़ा हुआ मिला। जब ग्रामीण खेत में काम करने के लिए पहुंचे तो उन्हें शव दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुख अशोक जुनेजा ने बुधवार को प्रदेश भर के पुलिस अधीक्षकों की घंटों बैठक ली। बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से दो टूक कह दिया कि प्रदेश में जुआ सट्टा और अवैध तरीके से बिक रही शराब पर अंकुश लगाया जाए। मरवाही की एडीजी कोर्ट ने शादी का झांसा देकर अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2020 में नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर अपहरण कर उसे विवाह का झूठा प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बिना अनुमति अवैध रूप से पेड़ काटकर मध्य प्रदेश ले जा रहे एक ट्रक लकड़ी, एक क्रेन और दो कटर मशीन को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब्त किया है। मनेंद्रगढ़ के केलहाड़ी अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलोखन में यह कार्रवाई सामने आई है। एक महीने पूर्व महासमुंद जिले में तुमगांव और ब्रिज के पास टाटा सुमो को साइड करने के बहाने चोरी कर फरार हुए आरोपी को तुमगांव पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं उक्त घटना में शामिल एक साथी फरार है जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा थाना पुलिस ने 6,766 नशीली टेबलेट के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशीली दवाइयों को बचेली शहर में खपाने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान तस्कर को पकड़ लिया। रायपुर में सीएसपीडीसीएल में कार्यरत महिला असिस्टेंट इंजीनियर ने बंसील नगर दुर्ग स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा, इट इज माई फॉल्ट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इतना लिखकर वो फंदे में झूल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर निखिल कौशिक की पत्नी थी। बिलासपुर में बिजली सप्लाई बंद होने से नाराज एक उपभोक्ता ने आरके नगर फ्यूज कॉल सेंटर पहुंचकर फोन को ही तोड़ दिया। घबराए कर्मचारियों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। इस घटना के बाद से सुविधा ठप है। फोन बॉक्स आने के बाद ही शिकायतें सुनी जाएगी। दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस रात 12 बजे से 2 बजे तक बीच रास्ते में खड़ी रही। बिलासपुर व दादापारा रेलवे स्टेशन के बीच इस ट्रेन के पेंटों में फंसकर ओएचई तार टूट गया। बिजली प्रवाहित नहीं होने के कारण ट्रेन के पहिए थम गए, इससे यात्री परेशान हुए। राजधानी रायपुर में मौदापारा थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में अचानक आग लग गई। इस दौरान क्लास में बैठे सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बिलासपुर के आरपीएफ ने उत्सलापुर स्टेशन में चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नर्मदा एक्सप्रेस के S1 कोच के चेक करने पर इंजन की ओर के बाथरूम के पास रखे 2 नग लावारिस बैग से 50,000 रुपए कीमत का 10 किलो गांजा जब्त किया है।